हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सांभर। देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। हाँ, ये देखिए सांभर बनाने की सामग्री देख लीजिए। पहले हम दाल के साथ सारी सब्जियाँ जो डाल रहे हैं उनको देखेंगे। ये मैंने ली है लौकी, कम से कम 200 ग्राम के लगभग। और ये दो सहजन की फली ली है मैंने, इस तरह की सहजन की फली, मूंगा की फली बोलते इस तरह की ली है। और मैंने ये एक प्याज लिया है, इसको काट लिया है टुकड़ों में मीडियम आकार के। और ये 1 इंच 2 इंच के करीब अदरक ली है, इस तरह से काट ली है। और नमक लिया है 1.5 से 2 चम्मच, और 2 तेज पत्ता लिया है। और ये 4-5 मैंने काली मिर्ची ली है, डोंडा इलायची ली है, एक हरी इलायची ली है, और ये दालचीनी ली है टुकड़ा, और लौंग ली हैं दो लौंग ली हैं लगभग। और ये लिए हल्दी, मैंने नाम मात्र को डालेंगे खाली। और ये बैंगन लिया है, बैंगन को हम छील के डालेंगे, क्योंकि बच्चे खाना पसंद नहीं करते, निकाल के फेंकते हैं, इसलिए हम छील लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा इसमें बैंगन डला है, तो इसलिए हम छील के इसको डालेंगे। अब देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए मैंने बैंगन छील के काट दिए हैं, इस तरह के पीस कर लें। और ये मैंने दाल ली है 4 मुट्ठी, तुअर की ली है 4 मुट्ठी के करीब। और अब हम इसको बनाएंगे किस तरह से। इसके लिए हमें शुद्ध घी चाहिए 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच शुद्ध घी डाल दें। ये देखेंगे हमने 1 चम्मच घी डाला है शुद्ध। अब हम इसमें ये जो गरम मसाला हमने लिया है इसको डाल देंगे गरम होने पर। और अदरक को भी हम थोड़ा तल लेंगे इसमें, इसका स्वाद अच्छा आता है, थोड़ा क्रिस्पी। अब हम सारी सब्जियां इसमें थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, सारी सब्जियां डालेंगे इसमें। थोड़ी 2-1 मिनट के लिए भून लें इसको। देखिए 2 मिनट भून गया है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। सांभर कई तरह से बनाते हैं, जिसमें से एक तरीके में बता रही हूँ। जो इसमें सब्जियां हम ऐसे भून के बनाते हैं तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। हल्दी डाल दें, नमक डाल दें, और पानी डाल दें थोड़ा। अब हम इसमें 5-7 सीटी दे देंगे। जब तक दाल उबल रही है हम अपने वो छौंक की तैयारी कर लेते हैं, सांभर को छौंकने के क्या क्या चाहिए। ये मैंने इमली भिगो के रखी थी गर्म पानी में 1 घंटे पहले, इसको मैश कर लें अच्छे से, और इसको छन्नी से छान लेंगे। आपको जितना खट्टा खाना हो उतना ही डालें स्वादानुसार। और ये मैंने लिए हैं मीठी नीम के पत्ते, कड़ी पत्ता है। और ये 2 हरी मिर्ची ली हैं चीरा डाल के, और सूखी लाल मिर्ची ली हैं 3-4, और शुगर ली है मैंने 1/2 चम्मच के करीब। खट्टा मीठा खाना हो तो आप शुगर डालें, नहीं तो अगर आप खट्टा खाना चाहें तो ना डालें। और ये मैंने हींग ली है 1/4 चम्मच, और 1/4 चम्मच मैंने राई ली है, और ये 1/2 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, लाल मिर्ची पाउडर। और ये सांभर मसाला लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच। देखेंगे अब हम छौंक किस तरह से लगाना। पहले हम इमली को कर लेते हैं, छान लेते हैं मैश करके। इस तरह से मैश कर लेंगे इसको,
और अगर आप इमली ना खाती हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकती हैं, नींबू का रस इस्तेमाल करें। देखिए तेल गरम करने रखा है, तेल गरम हो गया है, हम हींग डाल देंगे इसमें और लाल मिर्ची और राई डाल देंगे। और ये जो हरी मिर्ची हमने चीरा देके रखी थी उसको भी डाल देंगे। कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। लाल मिर्ची लिए थे हमने और ये सांभर मसाला, इसको भी 10-20 सेकंड के लिए भून लेंगे। ये जो हमने इमली रस निकाल रखा है इसको हम आधा ही डालेंगे, फिर जरूरत अनुसार ही हम वो डालेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तब। और शुगर भी डाल देंगे, इसमें पानी और डाल देंगे। इसमें आप देख लें उबालने में कितना पानी है, उस अनुसार आपको इसमें पानी उबाल लें, जितना आपको चाहिए उबाल के फिर डालें। ये देखिए ये सांभर की दाल उबाल कर उबाली थी हमने, वो इस तरह से हो गई है। वो हमने पानी वो मसाला छोक दिया है वो इसमें डाल देंगे। जो हमने पानी और छोका को उबाल के रखा है उसमें इसको मिक्स कर देंगे, सांभर को अच्छी तरह उबाल लेंगे इसको। अच्छी तरह उबालने के बाद चखें, चक्के जो कमी हो खट्टे मीठे की वो आप डालें इसमें। ये लीजिए सांभर तैयार है, अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसकी प्लेटिंग कर देते हैं, गैस बंद कर देंगे। ये लीजिए सांभर तैयार है, ये इसको इसमें और भी आप सब्जी ऐड कर सकते हैं, चाहे कद्दू डालें, आलू डालते हैं, कई लोग भिंडी भी डालते हैं, तो जैसे आप खाना पसंद करें वो सब्जी डाल सकते हैं। बस खाएं खिलाएं और मौज मनाएं। हेलो, आज मैं आपको बताने जा रही विशेष जानकारी आपके लिए लाई हूँ। दाल को उबालते समय चुटकी भर हल्दी और 2-4 बूंदे बादाम के तेल की डालें तो उससे दाल बहुत स्वादिष्ट और जल्दी भी गल जाती है।